में शामिल होने के बाद उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक ट्वीट किया है, लेकिन वो ट्वीट क्यों किया है उसको समझने के लिए हम आपको दो तस्वीरें अभी दिखाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ट्वीट की वजह क्या है। ट्वीट हम आगे दिखाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, वो बिल्कुल असल तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर जो है उसको मॉर्फ करके यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको रिलीज किया गया, जिसमें प्रणब मुखर्जी सिर पर टोपी लगाए और हाथ में ये जो मुद्रा है इसको आरएसएस की लैंग्वेज में सलामी मुद्रा कहते हैं, यानी कि जिस वक्त वहां परेड निकल रही थी कल आरएसएस के स्वयंसेवकों की, तो उस दौरान इसी तरह से सलामी ली गई थी। सिर्फ प्रणब मुखर्जी ही थे जो कि सावधान की मुद्रा में खड़े हुए थे, इसके अलावा बाकी जितने भी लोग थे मंच पर वो सब इसी तरह सलामी की मुद्रा में थे, लेकिन इसमें प्रणब मुखर्जी को भी सलामी की मुद्रा में दिखाया गया है। इसी को लेकर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक ट्वीट किया है। अब वो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को हम आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट किया गया है शर्मिष्ठा मुखर्जी की ओर से और इसमें उन्होंने लिखा है कि यही वो डर है जिसके लिए मैंने अपने पिता को चेताया भी था। शर्मिष्ठा मुखर्जी आगे लिखते हैं कि अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं और बीजेपी आरएसएस का डर्टी ट्रिक जो डिपार्टमेंट है वो शुरू हो गया है। इसी जो फर्जी तस्वीर है इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि पहले भी उन्होंने चेताया था और कहा था कि जो तस्वीरें हैं वो आगे तक लॉन्गर लास्टिंग रहेंगी तो वो परेशानी हो सकती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं।